नमस्कार दोस्तों, राधा मोहन का आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है। दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार दामनिक होने जा रही है जल्दी ही जेल की सज़ा, क्योंकि दोस्तों जो सबूत हाथ लगे हैं फोन से वो दामनी के खिलाफ ये हैं कि दामनी ने ही असली प्लानिंग की थी मर्डर की, जो कि तुलसी के मर्डर की, और इस चीज़ को एक्सपोज किया है दोस्तों इस समय राधा ने, क्योंकि राधा ने बहुत समय से बोल रही थी मोहन से कि मोहन जी आप मेरी बात को मानो, क्योंकि ये पूरे का पूरा प्लान किसी और का नहीं था बल्कि दामनी और दामनी की मां कावेरी मिले हुए हैं तुलसी दी के मर्डर से। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि उस समय तो विश्वास नहीं किया था, लेकिन अब जब पूरे सबूत हाथ ही लग चुके हैं राधा के, तो जिसके बाद में वाकई में कबूल करना मजबूरी बन चुकी है दामनी की। और दामनी बोलती हुई नज़र आ रही है इस वक्त, और दामनी ने बोल भी दिया है कि ये मैंने किया था लेकिन मेरी मजबूरी थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि तुलसी मेरा कोई भी राज खोल दे, क्योंकि दोस्तों तुलसी से वाकई में नफरत किया करती थी। और आप लोग जानते ही हैं कि आने वाली कहानी में एक बार फिर से नया ट्विस्ट भी देखने को मिलने वाला है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से लगातार एक से बढ़कर एक एक नई नई चीज़ भी देखने को मिलने वाली है। जहां पर अगर बात की जाए मोहन की, तो मोहन पूरी तरीका से अब राधा से बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि राधा मुझे तुम पर वाकई में पूर्ण रूप से भरोसा है कि जो तुम कर रही हो कहीं ना कहीं सही कर रही हो। आप लोगों को बता देना चाहता हूं दोस्तों कि आने वाली कहानी आप लोगों के लिए एक नई चीज़ और लेकर आने वाली है, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से खुद इस चीज़ को दामनी बोलती हुई नज़र आने वाली हैं कि मैं जैसे तुलसी को रास्ते से हटाया है वैसे ही मैं राधा को भी हटाना चाहती थी, क्योंकि दोस्तों अपने गुनाहों को भी एक्सपोज करती हुई नज़र आ रही है इस समय। साथ ही दोस्तों आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहूँगा, गाइस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट करके आप लोग मेरे को ज़रूर बताएगा इस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच।